हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि अगर आपको दो लैपटॉप के अंदर फाइल शेयर करना है वो कैसे करना है। मान लो आपके पास एक लैपटॉप है और दूसरे लैपटॉप के अंदर आपको वो फाइल एक्सेस करना है, फोल्डर एक्सेस करना है, वो कैसे करना है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जो आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, जिस भी इंटरनेट से कनेक्टेड हो, वो आपके दोनों लैपटॉप सेम नेटवर्क के अंदर होने चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो आपका इंटरनेट जिससे आप कनेक्ट करते हो आपके लैपटॉप को, तो वो सेम यहाँ पर आपको एक्सेस कर लेना, मतलब कनेक्ट कर लेना है यहाँ पर आपको दोनों लैपटॉप को। उसके बाद जो भी फाइल आपको शेयर करना है, जो भी फाइल आपको एक्सेस करना है दूसरे लैपटॉप के अंदर, तो उसको क्या करना है, एक फोल्डर के अंदर आपको डाल लेना है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक फाइल इस फोल्डर के अंदर डाल दिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, न्यू फोल्डर 3 करके ये फोल्डर है। जब हम लोग इसको ओपन करते हैं तो हम लोगों ने कुछ फाइल्स इसके अंदर डाल के रखा है। ठीक है, तो ये फाइल जब भी हम लोग एक्सेस करेंगे दूसरे लैपटॉप में तो वो वहाँ पर दिखनी चाहिए। तो उससे पहले आपको क्या करना है, जो ये आपका फोल्डर है इसके अंदर जो भी जो जो फाइल आपको शेयर करना है, एक्सेस करना है दूसरे लैपटॉप से, तो इसके अंदर आपको डाल देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है इस फोल्डर के ऊपर, और यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर शेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको एक शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप के नीचे यहाँ पर जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ही कुछ फोल्डर आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, यहाँ पर आपको एवरी वन सेलेक्ट करना है। ओके, और यहाँ पर एड बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर शेयर का बटन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ओके कर देना है इसको, और यहाँ पर भी आप उसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपका जो ये फोल्डर है वो आपको शेयर करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो ये स्टार्ट बटन है यहाँ पर आप राइट क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर आपको एक रन का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर यहाँ पर रन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप कीबोर्ड से विंडोज और प्लस आर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, विंडोज पहले प्रेस करना है, उसके बाद आपको आर प्रेस करना है। ओके, यहाँ पर आपका ये जो रन विंडोज है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर CMD टाइप करना है और यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका कमांड लाइन ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर IP:conf5g यहाँ पर टाइप करना है और कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देना है। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ पर जो भी आपका इंटरनेट है जिससे भी कनेक्टेड है यहाँ पर उसका IP आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अभी हम जो वायरलेस से कनेक्टेड हैं तो यहाँ पर वायरलेस का जो IP है, यहाँ पर हमारा ये IP है वायरलेस का। ठीक है, अगर आपका लैन से कनेक्टेड है तो यहाँ पर दिखेगा, और वैन से कनेक्टेड है मतलब वायरलेस से कनेक्टेड है तो वायरलेस अडेप्टर के नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये नोट करना है कि जो आपका IP है यहाँ पर वो क्या है। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने दूसरे लैपटॉप के पास। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए अभी दूसरे लैपटॉप के अंदर। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका स्टार्ट बटन है यहाँ पर, ये विंडोज 11 है इसके अंदर, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये स्टार्ट बटन। आपको राइट क्लिक करना है स्टार्ट बटन के ऊपर और यहाँ पर रन विंडोज पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर रन ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये जो रन विंडोज है ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो आपका यहाँ पर IP था, यहाँ पर ये वाला IP, ठीक है, आपको इसके अंदर टाइप कर देना है HT, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप करके रखा है, तो सेम HT आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ओके बटन पर क्लिक करना है। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपसे ये यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ से पूछेगा। तो यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, यूजर नेम पासवर्ड क्या होता है, जो आप ये वाला लैपटॉप का आपको यूजर नेम और पासवर्ड उस लैपटॉप के अंदर डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ये यूजर नेम है जिससे आप लॉगिन हो, यहाँ पर उसका यूजर नेम और पासवर्ड डाल दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से लॉगिन हूँ, और यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देना है, जो आपका पासवर्ड है उस लैपटॉप का डालना है। ठीक है, और यहाँ पर
इसको ओके बटन है जो ये यहाँ पर प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो हम लोगों ने अभी फोल्डर शेयर किया था यहाँ पर वो फोल्डर अभी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपको जो शेयर के ऑलरेडी करके रखे हैं फोल्डर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर आपने जो डेस्कटॉप के ऊपर कोई फोल्डर शेयर किया है ठीक है, तो वो आपको कहाँ मिलेगा सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है। अगर आपने किसी ड्राइव से, अगर मान लो आपके पास सी डी ई ड्राइव है, अगर उस वहाँ पर आपने फोल्डर क्रिएट करके रखा है और वो आपने शेयर किया है तो आपका यहाँ पर डायरेक्टली ही शो हो जाएगा ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर यूज़र का जो ये फोल्डर बना हुआ है यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको जो जिस यूज़र से आप लॉगिन हो, जैसे कि मैं अभी एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र से लॉगिन था, और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जो आपने अभी फोल्डर शेयर किया था यहाँ पर वो डेस्कटॉप के ऊपर था, तो यहाँ पर डेस्कटॉप पर क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो हम लोगों ने अभी फोल्डर शेयर किया था, ये फोल्डर हम लोगों ने 3 फोल्डर शेयर किया था और जो इसके अंदर फाइल्स थे ये वाले फाइल्स थे ठीक है। तो अभी हम लोगों को ये फाइल्स यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर मिल जाएंगे ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये फोल्डर के अंदर सेम फाइल्स हैं जो आपकी यहाँ पर थी, तो वो आप ऐसे एक्सेस कर पाओगे किसी दूसरे लैपटॉप के अंदर आपकी जो फाइल्स हैं या फोल्डर हैं। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपको दो लैपटॉप के अंदर फाइल को एक्सेस करना है वो कैसे करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।